छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। ईद मुबारक का बच्चा, यहाँ जान पे बनी है सी ईद की बड़ी। लड्डू भाई यार कुछ करो, यार कुछ करो, ये अगर लोगों के कपड़े आज ही आज में सीके नहीं दिए ना तो हमें अपनी ईद जेल में गुजारनी पड़ेगी। बता दूं, ठीक से बोलो भैया, ईद सरकारी जेल में गुजारनी पड़ेगी। क्यों? अबे निजी जेल में तो हम पहले से बैठे हुए हैं यार। हाँ ये भी है। ससुर जी सुबह हो गई, ईद हो गई, लोग किसी भी वक्त अपने कपड़े लेने के लिए आते ही होंगे, हमारा क्या होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। लगता है लोग आ गए अपने कपड़े लेने के लिए। मैं जाऊँ? कहना मैं घर में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अरे आए ना चाचू, चाचू चाचू ईद मुबारक, चाचू ईद मुबारक। बैठे चाचू, बैठे 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 चाचू, ये है मेरे ससुर जी, और ससुर जी ये है मेरे प्यारे चाचू। बात सुनो, ये तुम्हारे अब्बा क्या कम थे जो चाचू भी आ गए? अरे खिबला, ये साहब यकीनन तुम्हारे मरहूम ससुर होंगे। आओ भाई, अभी जिंदा हूँ मैं यार, अभी जिंदा बैठा हुआ हूँ। अरे भाई तो क्या क़यामत तक जिंदा रहोगे? कभी ना कभी तो मरहूम होगे ना ससुर जी। सब लोगों से बता दो कि शाही दर्जी आ गया। ओ भाई ये बकरा ज़िबह करने जैसा काम नहीं है, कपड़े सीने। और आपको लोगों का पता है कि कपड़ों के मामले में बड़े हसास होते हो। तुम्हें क्या मालूम, ये हमारा खानदानी हुनर है, हमें विरसे में मिला है। हमारे दादा परदादा मुगलिया सल्तनत में दर्जी है खास। हाँ चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल सच कह रहे हैं, 100%। और तूने कैसे देखा भाई? मैं समझाता हूँ, हमारे मोहल्ले में टेलर की दुकान थी मुगल टेलर्स के नाम से, वहाँ पे मेरे दादा परदादा टेलर खास के फ्राई सरंजाम देते थे, है ना चाचू? चुप करो जाहिल बाप की कमकल औलाद, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। भाई इन हालात में तुम जो भी कहो, अगर ये भी कहोगे ना कि तुम अकबर बादशाह हो, हम मान लेंगे, लेकिन हमें इस मुसीबत से निकालो यार। ठीक है, अब तक जितनी रकम जमा की है सब लाके मुझे दे दो। अच्छा, एक बार काम हो जाए फिर रकम आधी आधी कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं लाके देता हूँ। मैं ससुर जी काम मुझे, लोगों से जान बच जाएगी, मैंने मार देंगे। चाचू चाचू मैं लाके दे रहा हूँ, फिक्र मत, पैसे ना, बड़ी मुश्किल से होगा। समझदार बच्चा भाई, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन करे अब तो कुछ खाया भी नहीं जाता, बस यूं ही चक चक के गुजारा कर लेता। भाई साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वैसे रहते कहाँ हैं आप? मैं तो अपने ख्यालों में रहता हूँ। क्या अब चाचू आप ईद में अपने घर नहीं जाते? भाई घर कैसे जाता, इतने ऑर्डर पकड़े हुए हैं कि बस। ऑर्डर? कौन से ऑर्डर? आपको लड्डू ने बताया नहीं, दरअसल हम लोग शाही दर्जी हैं, खानदानी मुगलों की तमाम पोशाकें हम ही लोग सिया करते हैं। क्या मतलब कि आप लोगों ने वो रानी वाले कपड़े सिए? हाँ, अरे भाई औरंगजेब अनारकली के कपड़े हमारे दादा पर दादा से ही सिलवा कर ले जाता था। औरंगजेब अनारकली, समझ नहीं आया। बड़े लोग बड़ी बातें, हम लोग छोड़े कहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। लगता है अम्मी जान की ख्वाहिश आप ही पूरी कर सकते हैं। हाँ तो बताइए क्या है उनकी आखिरी ख्वाहिश? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आखिरी ख्वाहिश तो मरने वालों की होती है। माशाल्लाह मेरी अम्मी जान तो भली चंगी है, हयात है। हाँ तो ख्वाहिश क्या है उनकी? हाँ उनकी ख्वाहिश ये है कि हमारे ईद के जोड़े कोई खानदानी दर्जी सिए। पर अब क्या हो सकता है, तो देर हो गई है ना, आज तो ईद का पहला दिन है। अब तो क्या हुआ, आज का पूरा दिन है, इसके बाद भी दो दिन और है। क्या मतलब आप एक दिन में सारे कपड़े सी देंगे ना हमारे? अरे भाई शाही दर्जी है, दिनों क्या आप तो घंटों की बात करें। मैं तो कहता हूँ आप लोग दूसरी खातिन से भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ले, ऐसे काम करके दूंगा आप लोगों की पूरी सोसाइटी में वाह हो जाएगी। हाँ मामा ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है ना आनी? लेकिन पैसे एडवांस में लेने होंगे। जी जी क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो लाजमी सी बात है ना, आखिर शाही दर्जी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। इसी खुशी में आप लोगों की शाही पोशाक मरियम उस जमानी में मुफ्त में सी कर दूंगा आप। कौन सी जमानी, क्या शाही? भाई इसमें मीठा काम है। मीठा काम है? गुलाम गुलाम जी बेगम, ये इसमें मीठा कम है, इसमें ये इन्होंने कहा होगा मैं अगर इसमें पूरी शुगर मिल भी मिला दूंगा ना तब भी इनको कम लगेगी।
बहस मत करें आप, बस जाइए जाकर शुगर लेकर आइए। और हाँ, वो नए नोटों का क्या हुआ? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे ईद का दिन है आज, आज कहाँ बैंक खुला हुआ कोई? भाई मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो नए नोट चाहिए, समझ गए आप? ऐसे करारे। आइए चाय में चीनी मिला के ला दो, बैठे हुए मैंने कहा भूल गया तुम शायद, मीठा ले आओ। ये खाइए ना, आपने तो कुछ खाया नहीं। वो भी लीजिए ना। हाँ ले रहा हूँ। दोपहर का खाना बन गया, ये ईद वाले दिन हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। अरे भाई ये लीजिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ईदी, आपस में बांट लीजिए। ये पहली मर्तबा आपके खानदान में किसी को कुछ देते हुए देखा है, देख लेना इसमें ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ। पापा ये तो जाली नोट है, ये देखिए इसमें ईद मुबारक लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को मालूम ही नहीं? सबको मालूम है कि आज ईद का पहला दिन है। अरे भाई तुम तो चुप रहो तो अच्छा है। क्या चाचू, जिंदगी में पहली बार ईदी थी, वो भी ईद मुबारक वाले नोट। तुम सब लोग दुनिया से बेखबर हो। अरे भाई इस एक नोट की कीमत आम नोट से दुगनी है, दुगनी। देखो भाई तुम्हारे चाचू भी तुम्हारे अब्बा की तरह चीटर ही निकले। इस दफा इस ईद पर ये नोट खास तौर पर शाया किए गए। मैं समझी नहीं। अरे भाई बड़ी बड़ी हस्तियों और अहम त्योहारों पर पोस्ट के स्कैम और सिक्के भी तो शाया होते हैं ना। आप बोले बोले जवाब दे, इसी तरह इस ईद पर ये खास नोट निकाले गए हैं। लेकिन ऐसे नोट तो बच्चों के पास भी होते हैं। वो तो जाली होते हैं, ये असली है। ये एक नोट की कीमत आम नोट के मुकाबले में डबल है, डबल। अब भाई जिसने मानना है माने, मेरे पास तो आखिरी गड्डी बची। अच्छा तो ये नोट हर किसी के पास नहीं है? ये सिर्फ खास लोगों को मिलते हैं, स्टेटस वालों को। भाई साहब आपके पास कितने बचे हैं? आप यही कोई 1,00,000 रुपए के होंगे। आप मुझसे 2,00,000 रुपए ले लें और ये सारे नोट मुझे दे दें। क्या गजब कर दिया तानी बेगम, आपको तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। अच्छा चले आपकी मर्जी, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं आप ले ले, आप ले ले, मैं आम लोगों की तरह आम नोटों से गुजारा कर लूं। देखा तुम्हारा चाचू भी गेम कर गया। गुलाब ऐसा करें कि मेरी अलमारी में से 2,00,000 रुपए निकाल के ना भाई साहब को ला कर दे दे, और ये जो नोट है ना नए शाया हुए हुए ये लेकर मेरी अलमारी में रख दीजिए। दो 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 ला ला जाइए। नहीं भाई ओ भाई जाइए, नए नोट है कड़क कड़क, जल्दी आइएगा। ओ भाई ओ हमारा हिस्सा कहाँ है? वो दो भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये मीठी ईद है, सब बड़ी ईद पर कुर्बानियों में मिलता है। बात सुनो, जितना तुमने मेरी बीवी को हलाल किया है ना, तो ये ईद बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हो गई है। ये हर बंदे को अपने अपने फन के हिसाब से रिस्क मिलता है, चलने वाले चलते रहे। चाचू दर्जी वाला काम भी शुरू करो, लोग आते होंगे अपने कपड़े लेने के लिए। सब लोगों से कह दो सबके ऑर्डर्स कल तक रेडी हो जाएंगे। कमाल करते हो, आज ये ईद भाई? ईद पूरे 3 दिन रहती है, सबसे कह दो अगर शाही दर्जी से अपनी पोशाकें सिलवानी है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। कमाल है यार। कमाल कहाँ से होगा, तुम लोगों को तो कमाने का शौक ही नहीं है, लगता है पेट भरे हुए। ओ भाई तुमसे कुछ बचेगा ना तो हमारे पेटों में जाएगा ना। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सबसे जाके ऑर्डर्स पकड़ लो और पैसे एडवांस में। जाओ जाओ, सोच क्या रहे हो? आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आज तो बहुत सारे कपड़े सीएंगे, आज तो सीजन मारेंगे सीजन। ये क्या कर रहे हो? स्टार्ट आपके लेवल पे। मेरे लेवल पर तुम कभी नहीं आ सकते। बस काम काम की बात होती है, चलो स्टार्ट। चाचू ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? अरे शाही दर्जी साहब, इस मस्करे को लेके कहाँ घूम रहे हैं? खबरदार, ये मस्करा नहीं है, ये शाही दर्जी का असिस्टेंट है। अब इतना मसला क्या है? हाँ टिक्के काम नहीं कर सकता तू? लड्डू भाई जब कसाई वाला बना तो मार्केट में खोते आ गए। जब दूध वाला बना तो लोगों ने डब्बे का दूध पीना शुरू कर दिया। रद्दी वाला बना तो सब कुछ रद्दी हो गया। धोबी बना तो लोगों ने आप जैसे घर दामाद रख लिया जो घर में कपड़े धो लेते। ये तो अल्लाह भला करे मेरा जो मैंने इसे काम पे रखा। चाचू आपकी बात सुन के मुझे खुद चक्कर आने शुरू हो गए यार। मुझे तो लगता है कि ये काम भी अच्छे अंजाम पर बंद होने वाला नहीं है। अरे 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 क्या करो ग्राम साहब,
किस्मत अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया करो। चुप चुप चुप। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। अच्छा, अरे ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलना है मैं नौकरों क्या तेरा? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वो ईद मिलने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या रशिया में आ गया हूँ? अरे ना मिलना ना मिलो ईद, लेकिन मेरा ईद का सूट तो दे दो, अब तक तो तैयार हो चुका होगा। वो क्या है ना प्यारे मियाँ, पुराना वाला दर्जी तो भाग गया, अभी नया दर्जी ये सी रहा है। क्या फिर वही टोपी ड्रामे तुम लोगों के? मैं बता रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा ईद का सूट चाहिए, वरना मेरे पैसे डबल वापस करो। अरे प्यारे भाई आप नहीं जानते, ये हमारे नए दर्जी हैं, शाही दर्जी, रशीद के भाई खुर्शीद, और पता है हमारे ईद के जोड़े यही सी रहे हैं, और बड़ी दूर दूर से लोगों ने इनको अपने कपड़े सीने के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। भाई ये अजीब लोग हैं, अगले साल के लिए अभी से कपड़े सिलवा रहे हैं? लो ये अगली से कपड़े थोड़े हैं, अरे ये हमारे शाही दर्जी हैं, इतनी तेजी से कपड़े सीते हैं, आज और कल में सब कपड़े सी के दे देंगे अपने क्लाइंट को। अरे प्यारे मियाँ, चचू जी का हाथ ऐसे चलता है ऐसे जैसे मम्मी जी की और हनी की जबान चलती है ना, बिल्कुल वैसे। क्या मम्मी जी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, गलती से। भाई बहुत हो गई गलतियाँ, मैं कहता हूँ जल्दी से मेरा नाप ले लो और मेरे लिए भी कोई शाही लिबास सी दो। हाँ तो लाओ एडवांस दो ना। एडवांस? अरे करी तो देके गया था। अबे ये कोई आम दर्जी नहीं है, शाही दर्जी है, शाही। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, बोलो बोलो कितने चाहिए, 10 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए? ओ भाई अपना रुमाल धुलवाने नहीं आया हो शाही दर्जी से, लिबास सिलवाने आए हो? शाही सलवार कमीज की पूरी 10 अशरफियां लगेगी। अशरफियां लेने? अब हम क्या दोबारा मुगलिया दौर में जाए? अरे भाई सिक्का राजुल वक्त के हिसाब से 10,000 रुपए दे दीजिए आप। क्या एक सलवार कमीज सीने के 10,000 रुपए हैं? अरे मैंने कहा था ना चाचू, छोटा आदमी आप अपना काम करें, फोकस करें उस पे जरा। एक मिनट रुको रुको ठहरो, ये बताओ तुमने छोटा बोला किसको, किसको बोला है, किसको बोला तुमने, तुम्हारी मजाल कैसे हुई? ओ भाई आराम से ऐसी बातें नहीं करो यार, कोई हड्डी वड्डी टूट गई ना तो शाही और तो पेटिक बुलाना पड़ेगा। बात सुन लो मेरी, बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ 10,000 ले लो, 15 ले लो, 20,000 रुपए ले लो, सबसे पहले शाही सलवार कमीज मेरा सिलना चाहिए, वैसे भी पहले भी मेरे साथ धोखा हो चुका है। लाओ फिर एडवांस देना। हाँ हाँ 50 लाख भी दे सकते हो, अभी तुम्हें पैसे जेब में लेके नहीं घूम रहा, और सुन लो अगर ऐसा ना हुआ ना तो देख लेना वरना गुस्ताख मैं तुम्हें सलवार कमीज समेत दीवार में चुनवा दूंगा। बहुत अच्छे, दीवार में चुनवा दोगे, मैं क्या तुम्हें अनारकली लगता हूँ? शाही दर्जी साहब जल्दी से मेरा शाही सलवार कमीज सिए, एडवांस में लाके दे रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ अगर मेरे साथ आप कोई धोखा हुआ ना वरना अच्छा नहीं होगा, जा रहा हूँ मैं। हाँ देख लेंगे। अरे आप तो हमारे कपड़े सिए। सिए सिए भाई सिए, छोड़े सबको काम से। लो भाई हनी ये बच्ची को ईद दे दो। तानी बेगम आप भी कमाल करते हैं, ईदी में स्पेशल नोट लेकर आना, घर पे शाही दर्जी बुलवाना, आप तो वाकई मुनफरिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मेरी मानो ना तो ये नोट खर्च नहीं करना, बल्कि ऐसा करना कि इनको फ्रेम करा लेना। अरे बड़े नायाब नोट हैं ये, जैसे हमारा शाही दर्जी नायाब है ना, बिल्कुल इस तरह। आज शाही दर्जी से याद आया, मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए अपने शाही दर्जी से बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस बनवा दे। क्या हो गया आंटी, वो शाही दर्जी कोई यूरोप से आया डिजाइनर नहीं है? मैं कहां से तुम्हें आंटी नजर आती हूँ, तुम मुझे सिस्टर बुला सकती हो। अच्छा भाई सिस्टर? आप तो प्लीज मुझे सिस्टर ना बोले, लोग समझेंगे मैं आपकी उम्र की हूँ, आप तो मुझे बेबी बोल दें या फिर बेटा। तो क्या फैसला किया आपने आंटी, शाही दर्जी से कपड़े सिलवाने या नहीं सिलवाने? आंटी मत बोलो। तो ठीक है हम फैसला बदल लेते हैं, हम आपको बुलाते हैं अंकल। तो अंकल आपने फैसला किया आपको कपड़े सिलवाने या नहीं? क्या बदतमीजी है, हमें कोई कपड़े नहीं सिलवाने। मम्मी प्लीज मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया मैं रॉयल ड्रेस पहनने वाली हूँ। लेकिन तुमने देखा ये लड़का क्या बोल रहा है, ऊपर से इनके पास वो डिजाइन भी नहीं जो मैंने पसंद किए हैं। मम्मी शाही डिजाइन ऐसे नहीं होते, इनको अपने हिसाब से सीने दें। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो मेरी बेटी के लिए शाही ड्रेस बनवा दो, लेकिन याद रखो आज ईद का पहला दिन है और मुझे कल मिल जाना चाहिए। आपके चार्जेस क्या हैं? अगर कपड़ा आपका है तो 10,000 रुपए और अगर कपड़ा हमारा है तो 20-25,000 रुपए, मगर सबका सब एडवांस मिलूंगा। हाँ अच्छा अच्छा ड्रेस सिलवा दें।
हाँ हाँ सिल जाएगा सिल जाएगा। बेटा शहजादी लगेगी तू, ऐसा ड्रेस सियेंगे तेरा के बस परी लगेगी तू। हाँ थैंक यू अंकल। कम कम वेलकम वेलकम। लड्डू मियाँ हमारे कपड़े किधर हैं? आज तो ईद का पहला दिन भी हो गया। अबे कौन से मुल्क में रहते हो तुम लोग? ईद 3 दिन होती है, मिल जाएंगे तुम्हें कपड़े, दूसरे तीसरे दिन ले जाना यार। अगर नहीं मिले तो? अरे लड्डू क्या हुआ, ये काहे का रश लगा रखा है, क्या बात है भाई? अरे मम्मी जी कुछ नहीं, ये लोग ना शाही दर्जी से मिलने के लिए आए। अच्छा अच्छा अच्छा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। लो बच्चो अपनी ईदी लो, ये लो भाई ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये लो भाई ये तुम्हारे, और ये लो तुम भी लो, क्या याद करोगे। आंटी ये तो ईद मुबारक वाले नोट है। अरे तो आज ईद ही तो है ना, ईद मुबारक नहीं लिखा होगा तो और क्या लिखा होगा। अरे लड्डू देखो भाई संभालो इन। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, चुप करके सुनो, चुप करके। होता कुछ इस तरीके से ना, सर एक बार पूछूं? खबरदार मुझे उस्ताद कहने से पहले ये सोच लिया करो, मैं कोई मैकेनिक उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक शाही दर्जी हूँ, मुझे जिले इलाही कहा करो। अरे हाँ ठीक है ठीक है, जिले इलाही। जिले के साथ तहसील भी बता दो, चक नंबर भी बता दो, जाहिल आदमी जिला नहीं होता, जिले होता है, जिले इलाही, जिले इलाही। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, शास्त्री ने इतनी तरक्की कर ली है, स्वीकर नगर इतना है छोटा सा, चाहते तो इसको बड़ा बनवा देते। नाका बड़ा कर देंगे तो फरार में आसानी हो जाएगी, इसलिए नाके मुख्तसर होने चाहिए। और तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, वैसे ही कम है तुम्हारे पास, काम पे ध्यान दो, आराम से आराम से आराम से, मशीन के साथ खुद भी घूम जाओगे। डॉक्टर साहब, ओए पुलिस से ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुप करो। ये गलत बात है हवलदार साहब। ओए हवलदार साहब, ओए इंस्पेक्टर बेग साहब, ये बताओ ये जाली नोट मार्केट में तुम लोग फैला रहे हो? जाली नोट? देखा मैंने कहा था ना कि तेरा चाचू कोई और गेम खेल रहा है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है यकीनन। गलत फहमी? ओए पुलिस को कभी गलत फहमी नहीं होती, पुलिस को हमेशा सही फहमी होती है। मैं ना आपको उन्हीं के पास लेकर चलता, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। हाँ ठीक है ले चलो, वरना फिर मैं बच्चों तुम लोगों को ऐसी जगह लेके चलूंगा कि वापस आने के बाद तुम लोग सही तरह बैठ भी नहीं सकोगे। आपको अंदर आइए, आपके अंदर चलिए चलिए आजा 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 आजा। ए चाचू, ओ चाचू, ओ चाचू पुलिस आई है। अरे नहीं भाई, मुगलिया दौर में पुलिस नहीं होती थी, इसलिए हम वर्दियां नहीं सी। नहीं 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 सिलवाने नहीं आए, ये कुछ उधेड़ ने आए, उधेड़ ने। मैं चाचू मैं समझाता हूँ ना आपको, वो जो ईद के पुरमुसरत मौके पे नए नोट शाया हुए, ये उसी की पूछगछ के लिए आए। हाँ अरे अपना काम शुरू करें ना आप, क्यों ये सेक्टर में आ गए आप? दर्जी, दर्जी मिल गया। ये आपने क्या दर्जी दर्जी लगा रखी है इंस्पेक्टर साहब? गुस्ताख, सिर्फ दर्जी नहीं शाही दर्जी कहो। क्या शाही दर्जी? इतने दिनों से मुझे किसी दर्जी की तलाश तो थी, अब देखें ईद के दिन भी मैं यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा हूँ, मेरे दर्जी ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब ये दर्जी। दर्जी नहीं शाही दर्जी। हाँ हाँ शाही दर्जी, अब सरकारी मेहमान बन के हमारी ईद के कपड़े सिएगा। जब भी तुम्हारे खानदान में से कोई आता है ना कोई मुसीबत साथ लेके आता है, मना कर दे उनको, अरे हमारी ईद खराब करेंगी क्या? अरे मैंने शाही पोशाक सिलवाने के 15,000 रुपए एडवांस दिए हुए, तो दूसरे कपड़े क्यों पहन लेता? 15,000? अगर तूने शाम तक हमारे कपड़े नहीं दिए ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कहाँ है वो तेरा शाही दर्जी? तेरे घर की आगे इतना निकल गई है। अरे अब अम्मा आपका इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, अब इस उम्र में मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी? तो आप क्या यहाँ बालों पे मेहंदी लगवाने आई हैं? अरे खुदा खुदा रा बेगम खुदा रा, अब तुम्हारी अम्मा से चल के मिल लो, ईद मुबारक कह दो, मेरी इज्जत रख लो बेगम। नहीं नहीं हरगिज नहीं, तुम हो कौन पहले ये बताओ। मैं इस इलाके में घुमारे वाला नहीं। वो जाली नोटों वाला मामला? अरे वो मैं असली नोटों से हल कर देता हूँ।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।